हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब आदमी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो स्वागत है आप लोग के हमारा चैनल रियल लाइफ ब्लॉग में। आ बड़े को परछी को प्रणाम, छोटे का बहुत सारा प्यार। आज की वीडियो कैसा होने वाला है, जैसे हमारे जीवन में होता है वैसे मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ जो रियल होता है। तो अभी मैं बनाने जा रही खाना, साफ सफाई कर दी हूँ। बाहर देख सकते हैं कितना अच्छा साफ सफाई कर दी हूँ। आज सुबह सुबह धूप भी निकल चुका है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल और चावल बैठा दी हूँ। तो चलिए आप लोग के मैं किचन में चलती हूँ। यहाँ पर देखिए अभी दूध आया है, बच्चे ने दूध लेके आए हैं। तो अभी देख सकते हैं हमारा किचन में दाल चावल में बैठा के गई थी। छोटा सा सब्जी भी है रात के, और रात में बनाई थी लिट्टी, दो पूरी था और रोटी। चार रोटी बनाई थी तो दो रोटी भी जब कबा खाएंगे दो रोटी ऐसे ही है। चलिए इसको रख लेते हैं। तभी देख सकते खाना ना खा लिए बच्चे ने, बीजी चल गया स्कूल। आकाश और विकास अभी जा रहे कपड़ा पहन लिए। इसको देखिए टेरेस। आओ इधर कंगी, कंगी कहाँ दिला हो कंगी है? लिया झाड़ लिया था मुड़ी झाड़ दी ना यहाँ से ना नीमा से हम झाड़ दें लिया। अभी हम धूप में बैठी हुई, यहाँ पर देख सकते इतना सारा धूप निकला हुआ है सुबह सुबह। तभी देख सकते हैं हमारा मोटर कैसे अभी फुलाना शुरू होगा। अभी अब देख सकते हैं कितना से अथी पकड़ा हुआ है। तब अब इसमें फूल पकड़ेगा और सरसों तो फुला रहा है। इधर देखिए उस दिन बकरी आई थी ना, सब चढ़ गई है कि सब काट के खा गई है। इसमें सोच रहे जो एक बार और भी पटा के इसमें खाद थोड़ा मार देंगे ना तो ये फूटेगा, क्योंकि अथी हो गए हैं इसको पटौने के लिए। इसमें सियार घूमते रहते हैं ना, देखिए कैसे चारों ओर धुआर धुआर दिए हैं। शाम होते समय इधर पूरा घूमने लगते हैं सियार। अभी मैं चलती हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता यहीं तोड़ने के लिए, चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा धनिया पत्ता है, इसी को तोड़ूँगी, तोड़ कर चटनी पीसूँगी। इधर बड़ा बड़ा हो गया है देख सकते हैं कितना सारा, यहीं से तोड़ लेती हूँ। लग रहा है गाजरा के पौधा है देख सकते हैं। तभी देख सकते हैं कितना सारा धनिया पत्ता तोड़ ली हूँ। अब मैं ले चलती हूँ इसको चटनी पे से, क्योंकि हरा मिर्ची भी लाई हूँ कल खरीद के। दाल चावल तो बनाई हूँ, रात का सब्जी था आलू का, तो बच्चे ने खा लिए। देखिए आप लोग बोलते हैं अपना खेत के मतलब पूरा खेत के दिखाइए कितना कैसे लगता है चावल में। तो यहाँ पर से दिखा देती हूँ मगर बाद में थोड़ा सा देर के बाद, वो खेत में चलूँगी बहुत दूर है तो उसको भी दिखाएंगे आप लोग खेत के होम टूर। होम टूर आप लोग कैसे लगेगा कमेंट में जरूर बताएं हम लोग। पहले खाना ना खा लेते हैं उसके बाद चलेंगे, थोड़ा और तेज़ धूप निकल जाएगा, बच्चे आएंगे तब जाएंगे थोड़ा सा वहाँ वही खेत देख के। तो देख ही सकते हैं कितना दूर में हमारे यहाँ चारों ओर खेते खेते हैं, कितना सा सरसों तोड़ा गेहूँ ये सब कुछ मतलब अति हो रहा है। बहुत दूर है देखिए, वहाँ पर पुली बना कर रखे हैं जो नीलगाय आती है और सियार भी घूमते रहते हैं। ये इस पर कपड़ा भी डालती हूँ ना तो उठा कर लेके खींच के भाग जाते हैं, उधर बिछा के बच जाते हैं। तो अब मैं नहीं छोड़ती हूँ बाहर कपड़ा, क्योंकि शाम होता है सभी कपड़ा उठा कर रख देती हूँ। एक बार दो बार उठा कर लेकर चल गए हैं सियार में, उसके बाद मैं नहीं रखती हूँ। तभी देख सकते चटनी बना दी हूँ, मर्चा धनिया सब काट दी। अब मैं चलती हूँ रोटी से खा लेती हूँ, रात का दो रोटी बचा हुआ है रोटी खा लेती हूँ। बचे तो खा लिए सब्जी बचा था और चावल दाल। खाना ना खा के हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो छोटा वाला घर बना रहे हैं। तो
मिट्टी भरना शुरू कर दिए हैं। देखिए यहाँ उधर से माटी काट करके बीज पपा लिया के इसमें फेंक रहे हैं, ये बराबर कर देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बराबर कर देंगे ना इसके साइड से भी। अभी नवीन ज़्यादा माटी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब जितना भर दिए उतना और माटी लगेगा। और वहाँ से खेत में से कोल के लेकर आए गड्ढा बना के, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं भी माटी उतना मिलने वाला नहीं है, चारों खेती है। तो इसी वजह से यहाँ पर सोचे जे अपने खेत में से कोल के माटी भर देते हैं। येलो मिट्टी है तो वहाँ से भी ले आ सकते हैं येलो मिट्टी। हाँ इधर भी है एक, तो इसमें से लाते हैं मगर बहुत ज़्यादा इंकड़ी रहता है। देख सकते हैं इतना सारा माटी भर दी हूँ, मैं नहीं भर रही, बीजे भर रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, ठंडा लग गया है मेरे को। तभी देखिए वहाँ पर अब इसको बोलने रहने दीजिए, क्योंकि इसको मैं बनाने वाली हूँ, ये रोड है ना इसके लेवल से थोड़ा खाल है तो इसको बराबर कर देंगे तो शायद हो सकता है। आइए बनाई हूँ रोड से थोड़ा ऊँचा में बनाई हूँ घर, इसको घर पर अब जितना सा टुकी मीटर है ना तो इसको उठा उठा साइड में कर दें, क्योंकि इसको इधर वाला मिट्टी ना दे। हाँ कोई गारंटी नहीं, सब आगाही से व्यवस्था करते हैं हम लोग इधर। इसको ज़्यादा टेंशन रहता है, ये बारिश आता है तो उलट उलट जाता है। ये घर सेफ्टी है जो अंदर रह रहे हैं, इसको कोई गारंटी नहीं, उड़ जाता है जब कस कांधी आता है तो। बहुत ओपन है ना ज़्यादा। हाँ चारों ओर देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इधर पूरा ओपन लिया है, घर के पास घर रहता है, थोड़ा सा हवा रोक लेता है। ये है तो सरबाउट आएगा हवा ना, तो इधर से थोड़ा फाँक है बस उलाट देता है वो साइड में। येलो मिट्टी तो और आपको ले आऊँगा। हाँ देखे मना से ईटा पाथर है यहाँ सब, केवल येलो मिट्टी लेकर रखते हैं। हाँ लिपने के लिए घर साइड में, इसको भी बराबर कर देते हैं। हाँ। क्योंकि दोस्तों इसके लेवल पर भरेंगे तो ये देखिए कहाँ आ रहा है, इतना मिट्टी का व्यवस्था है नहीं, नहीं है। देखिए चारों ओर खेती है, इसी वजह से हम लोग नहीं ले पाते हैं कहीं से। अब बराबर कर लेते फिर धीरे धीरे ना। हाँ बराबर कर लेते इतने में, फिर भी कभी देखेंगे खेत जब, हाँ तब थोड़ा सा लिया भर के ऊँच कर लेंगे। अभी तक थोड़ा माटी माटी है, बैठा है जी मारी मारी को साइड से थोड़ा सा हल्का सा ऊँच रखा लिया करें, बराबर कर दें। तभी देख सकते हैं हमारा नेव में माटी भी भरा गया है, क्योंकि इसको छोट हाँ करेंगे ना। हाँ इसको मिट्टी अभी लाना पड़ेगा। हाँ अभी लाएंगे दूर से माटी, ये वाला जो माटी लाएंगे इसको बराबर हो गया है। इसके बाद इसको गोबर लाएंगे, मिट्टी लाएंगे। अब साफ क्या चीज़ रखा जी हैं ये? हाँ ना साफ, क्योंकि ये खड़ है ना तो इसमें डर रहता है। झेवड़ा में दो तीन केंचू निकला था, देखिए मेहनत तो रंग ला दिया है। इतना मेहनत करने के बाद थोड़ा सा कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए कैसे था, कोई भी साफ सफाई करने से कुछ अच्छा ही लगता है। ये काट बांध के इधर हाँ। भी लेबर देंगे और इधर भी लेबर देंगे तो और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। हाँ इसको सजाएंगे, इसके हम लोग किस लिए बना रहे हैं वो भी सरप्राइज है आप लोग के लिए। हाँ आप कितने आदमी क्या समझ रहे हैं, कितने आदमी क्या। हाँ लेकिन सरप्राइज है वो आपको पता चलेगा, क्योंकि हम लोग बोल देते हैं मगर उतना कर नहीं पाते हैं। हाँ इसी वजह से नहीं बोल पाते हैं, अगर हो पाएगा हमसे उसके लिए व्यवस्था पहले हम बना लेते हैं। अभी देख सकते कितना अच्छा हो गया फिनिशिंग चारों ओर से, माटी बराबर हो गए हैं, छोटा सा रूम जैसे लग रहा है। यहाँ पर पहले कैसे लगता था, अब कितना मस्त लग रहा है, लग रहा है यहाँ पर गर्मी के दिन में खटिया ही बिछा कर सो जाइए, हवा भी लगेगा। पाका नहीं तो मिट्टी के घर भी बहुत अच्छा लगता है, है? पाका के घर हो गया उसमें सुख शांति नहीं हो गया। दोस्तों आप लोग बताइए कि ये बराबर कर दे कितना अच्छा दिख रहा है। मिट्टी के इसमें शांति है तो बहुत अच्छा है। ये
हो गया जी, नहीं काट दी सबके ऊपर से काटेंगे ये वाला टीम हटा देते हैं सब हटा दी। अच्छा नहीं खिला तो आ फिर चल के लिए के लगा देवे के हां जो 60 दिन के बाद फल 60 वाली वाली सब ठीक हम सब बढ़िया से ये मुझे नहीं लग रहा पड़ेगा अब ना फल जंगली काटेगा अब ना फल तो ना कांती जी 10 टोकरी येलो मिट्टी वहां से ले आ दे रहा हूं उसको बराबर कर बराबर करके लिख देते बराबर करके उसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा 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 ज्यादा ऊंचा करके येलो मिट्टी से ऐसे ढाल से बनाएंगे ना तो अभी देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा आ कितना सुंदर लग रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इसके आगे क्या क्या कर रहे हैं इसमें, वो बहुत अच्छा लगने वाला है आपको क्योंकि अभी थोड़ा मिट्टी वट्टी धो लिए ना, पूरा शरीर में गर्मी हो गया और खाना भी नहीं खाया सुबह से दोनों आदमी। चलो अभी थोड़ा पहले नहा लेते हैं उसके बाद खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर इसका काम करवाई शुरू करेंगे। बताइए कमेंट में अच्छा काम किए कि नहीं दोस्तों, देख सकते आते जाते लोग भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये क्या बना ना गांधी जी, पहले से कह रही कि गर्मी आएगा तो मैं यहीं पर सोऊंगी, उधर से मैंने चारों बगल पैक कर दिया है ना अपने सपनों के घर, कहीं से हवा भी सही से जाता नहीं मिलती है। मैं ये तो दिल बनाया था तो इधर से हवा हवा जाते रहता है आ लेकिन ठंड में बहुत परेशान हुए आ लेकिन ये भी सोच तो ये सोच के हम लोग बनाए थे कि गर्मी में चारों बगल से हवा आएगा तो पंखा उनका चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो महीना भी आता है तो उलाड़ के लेके चले जाए खेत में कट करके। अच्छा वो पेक रहता तो नहीं उड़ाता नहीं उड़ाता, ये तो है सब देखना है गर्मी ठंडी वो सब क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बांधे हैं सही से रेशम का धागा से तो नहीं उल्टा है हवा आता है, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत तेज हवा आता है तो चलिए वो तो हमारा ही नहीं कितने आदमी को पलानी उन्हें भी उजाड़ देते हैं फिर सही कर लेते इतना हौसला रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा आप लोग इंतजार करिए, और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तब तक ले लो अपना ख्याल रखें, हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। हाँ यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद।